बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस अतर मिनल्ला ने साफर केस को उधेड़ कर रख दिया। जाति अमरा और पिंडी में शोक का समा। दूसरी तरफ आपको बड़ी खबर देते चले कि आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज कागजात नामजदगी छीनने और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान की इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया है। अब हमें उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से दूर करने के लिए जो साजिश घड़ी गई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें खोलेगी, नींद से जागेगी, मुदाखलत करेगी और इदारों को अपनी हुदूद में रहने का हुक्म देगी। और आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस का जनाजा निकाला है, इसके बाद हमें यकीन हो गया है कि इमरान खान को सिर्फ इंतखाबात से दूर रखने के लिए जेल में रखा गया है। आज की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन आने वाले हैं और इमरान खान एक सियासी लीडर हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, और उन्होंने कहा कि ये बताएं क्या उनके बाहर आने से सोसाइटी को कोई खतरा है। जस्टिस अतर मिनल्ला के साइफर केस पर सवालात, तफ्तीशी को कैसे पता चला? बनी गाला में मीटिंग हुई थी, तफ्तीशी ने आजम खान की गुमशुदगी पर तहकीकात की? जस्टिस अतर मिनल्ला का सवाल। दफ्तर खारिजा साइफर वजीर आजम को भी दे सकता है? क्या साइफर बाहर गया तो गलती दफ्तर खारिजा की नहीं? जस्टिस अतर मिनल्ला। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज का तासुब भी पकड़ा गया। आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सब हैरान रह गए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्ला नियाजी ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने से रोका जा रहा है, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। पहले जस्टिस सरदार तारिक ने कहा किसके छीने हैं, नाम बताएं। वकील ने कहा उमेर नियाजी अदालत में मौजूद हैं, उनके वालिद के कागजात नामजदगी फाड़े गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा अगर आपका उम्मीदवार इश्तियारी हो तो कैसे कागजात नामजदगी जमा करा सकता है? फिर वकील ने कहा अब तक बल्ले का निशान अलर्ट करने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं सुनाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले आपके अपने बंदे कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। यही जज साहब अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का केस सुनेंगे तो कितना बेहतरीन इंसाफ फराहम करेंगे। तो ये तासुब से पाक जज साहब थे, काजी फायज ईसा के हम नवा हैं, काजी फायज ईसा के हम पल्ला हैं, काजी फायज ईसा के दोस्त हैं सरदार तारिक मसूद साहब। जब भी ये केस सुनते हैं, इनके पास जो भी तहरीक इंसाफ का केस लगता है, बुक्स जो है वो खुल के सामने आता है। जिस तरह ये रिमार्क्स देते हैं, जिस तरह हर केस में इमरान खान की को निशाना बनाते हैं, उनकी तजलील करते हैं, तहरीक इंसाफ को जिस तरह ये घसीटते हैं हर मामले में, तो हमें उम्मीद है कि आज जो केस लग रहा है ये एक बहुत बड़ा केस है। तारीख में ये केस हमेशा याद रखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा कि आया कि इस मुल्क में एक मकबूल जमात का जिस तरह से रास्ता रोका जा रहा है, जिस तरह ये सब खेल खेला जा रहा है। हमने देखा कि कल पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह घसीटा गया, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है अपना इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो कुछ किया गया, इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि साइफर का जो पोस्टमार्टम है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि साइफर का मतलब क्या है। ये सवाल किया काय मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने। साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज है, डी कोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। जस्टिस अतर मिनल्ला, साइफर जब डीकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। कायम मकाम चीफ जस्टिस का सरदार तारिक मसूद, ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीन रुकनी बेंच ने साइफर केस को उधेड़ के रख दिया है, उसका जनाजा निकाल दिया है। अब
बहुत जल्द इस केस में भी इमरान खान सुर्खरू होने वाले हैं। इमरान खान को इंसाफ मिलने वाला है। हम देख रहे हैं कि इमरान खान को नाजायज मुकदमात के अंदर फंसाया जा रहा है, फिक्स करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहूलतकारी की वजह से इमरान खान अब तक जेल में है। इमरान खान अभी भी सलाखों के पीछे हैं। एक तरफ इलेक्शन हो रहे हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि एक लीडर है इमरान खान, एक सियासी लीडर है, एक बड़े लीडर हैं, उनके बाहर आने से क्या खतरा हो सकता है, सोसाइटी को इससे क्या मसला होगा। तो ये वो तमाम तर सवालात हैं आज की पूरी कार्रवाई है जो मैंने आपके सामने रखी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह इस केस का जनाजा निकाल दिया है, इस केस से किस तरह चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये पूरे मामलात आपके सामने हैं। इस मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लोगों को KPK हो, पंजाब हो, हर जगह से रोका जा रहा है, बंदूक के जोर के ऊपर, बूट के जोर के ऊपर, ताकत के जोर के ऊपर, ताकि कोई भी शख्स जो है उम्मीदवार बाकी ना रहे, बल्ले के निशान पर कोई शख्स खड़ा ना हो, ताकि इस मुनज्जम धांधली के जरिए, इस सहूलतकारी के जरिए नवाज शरीफ को जिताया जाए, नून लीग को बसरे इक्तदार पहुंचाया जाए, उनको ये सारी उनकी। और इस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त महबूब हैं, वो इस वक्त जो है लाडले हैं, वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वही कुछ हो रहा है। एक दिन पहले उन्होंने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन मजीद 2 दिन कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से टाइम दे। इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी ऊं आ के ये टाइम फ्रेम मान लिया और 2 दिन मजीद दे दिए गए। तो इससे बढ़कर और गुलामी क्या हो सकती है, इससे बढ़कर जो है जी हजूरी क्या हो सकती है। ये वो तमाम तर हकायक हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को किस तरह कुचला जा रहा है, किस तरह इंतखाबात से दूर किया जा रहा है। अवाम पाकिस्तान अपना फैसला सुनाएगी, अवाम पाकिस्तान अपना फैसला करेगी। ये एक पूरी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।